अखिलेश सरकार में हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने यूपी में 12 जगहों पर छापेमारी की। बुलंदशहर, लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, नोएडा, गोरखपुर, देवरिया में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह के आवास के अलावा देवरिया के पूर्व डीएम विवेक कुमार के साथ सीडीओ आजमगढ़ देवी शरण उपाध्याय के आवास पर भी सीबीआई ने छापा मारा, जहां से 10 लाख रुपए बरामद हुए। जिलाधिकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। खबर है अभय सिंह और विवेक कुमार पर कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश सरकार के दौरान हुए खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने आज ताबड़तोड़ छापे मारे। करीब 12 जगहों पर छापेमारी की गई। जिन जिलों में छापेमारी की गई वहां बुलंदशहर, लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, नोएडा, गोरखपुर, देवरिया में छापेमारी की गई। बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह के आवास के अलावा देवरिया के पूर्व डीएम विवेक कुमार के साथ सीडीओ आजमगढ़ देवी शरण उपाध्याय के आवास पर भी सीबीआई ने छापा मारा। खनन घोटाले में सीबीआई ने यूपी के 2 नौकरशाहों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक तत्कालीन बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह है और दूसरे आईएएस विवेक हैं। दरअसल विवेक पर आरोप है कि जब वो डीएम थे देवरिया में, तब जो टेंडर्स हुए, जो खनन के पट्टे दिए गए, उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। और आज सीबीआई की टीम यहां लखनऊ में अंसल गोल्ड सिटी में इनका ये मकान है, यहां पर पहुंची थी। यहां पर सीबीआई ने जांच की है। उस दौरान कुछ खनन पट्टे जो है दिए गए, जिसे अवैध खनन पट्टा कहा जा रहा है, उसी की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें सीबीआई की टीम आज यहां पर पहुंची थी। विवेक से पूछताछ हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनके घर से प्रॉपर्टीज के पेपर भी बरामद की है पुलिस ने। 4 प्रॉपर्टीज के पेपर भी सीबीआई को यहां से मिले हैं और सीबीआई जो पूरे मामले की जांच कर रही है, उनसे पूछताछ हुई। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम यहां पर रही है। सीबीआई की टीम यहां से रवाना हो गई है। तो सीबीआई के शिकंजे में आईएएस विवेक भी हैं, जो तत्कालीन डीएम थे देवरिया में। इनके साथ जो एडीएम वहां पे थे, पुलिस ने सीबीआई ने उनके घर पर भी रेड किया और वहां से बकायदा 10 लाख रुपए कैश जो है वो बरामद भी किया है। तो आज यूपी के 2 नौकरशाहों पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। एक जो डीएम है फिलहाल बुलंदशहर के अभय सिंह, और दूसरे जो है कौशल विकास में एमडी हैं, और तब जब ये घोटाला हुआ था तब वो देवरिया में बतौर डीएम तैनात थे। विवेक के ऊपर भी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। इसको लेकर सरकार भी बेहद सख्त हुई है और सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इन दोनों अधिकारियों को जल्द से जल्द इनके पदों से हटा दिया जाए। तो अब एक तरफ जहां सीबीआई का शिकंजा कसा है, वहीं सरकार ने भी सख्ती की है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज सुबह डीएम आवास पर हुई सीबीआई की छापेमारी में 47 लाख रुपए कैश बरामद हुए, जिसके बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। फतेहपुर में डीएम अभय सिंह की तैनाती के दौरान यह खनन घोटाला हुआ था, उसी केस को लेकर सीबीआई ने यह छापेमारी की। यहां नोट गिनने के लिए सीबीआई अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। प्रदेश के 7 प्रमुख जिले फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की जांच के आदेश दिए थे। इसी मामले में 5 जनवरी को सीबीआई ने आईएसबी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट समेत 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी पर बीजेपी का कहना है कि यूपी में पिछली सरकार में कई घोटाले हुए हैं, जिसमें सीबीआई अपना काम कर रही है। तो अखिलेश सरकार में हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कुल 12 जगह छापे मारे गए हैं। बड़ी तादाद में नकदी भी बरामद हुई है। और ये हमें आपको एक बार फिर बताते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल कई जिलों में खनन घोटाला हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। प्रदेश के 7 प्रमुख जिले फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था। सीबीआई अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में चीनी घोटाले हुए थे, चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेचा गया था। कल उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उससे जुड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि सुश्री मायावती जी कोई ट्वीट करेंगी कि नहीं करेंगी।
और इस वक्त विनोद मिश्रा जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कई जगह छापे मारे गए हैं लेकिन दो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के यहां भी छापेमारी हुई है और ऐसे में ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि किस तरह इतने बड़े स्तर के अधिकारी, जिले के सबसे बड़े स्तर के अधिकारियों के मिलीभगत से इस तरह के काम किए जा रहे थे। देखिए, खनन में जब भी घोटाला होता है या कोई भी खनन का टेंडर दिया जाता है, पट्टा दिया जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जिले के डीएम की होती है। जिले के डीएम के परमिशन के बिना कोई भी खुदाई जिले में नहीं हो सकती। इसीलिए तत्कालीन जो डीएम थे, चाहे फतेहपुर में अभय सिंह रहे हों, चाहे देवरिया में विवेक रहे हों, इनकी भूमिका सवालों में हर सीबीआई के खिलाफ बकायदा एफआईआर रजिस्टर किया। बी चंद्रकला जो डीएम थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। तो तीन डीएम आप कह सकते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर अब तक हो चुका है और जिनमें से दो के घर पर आज छावे पड़े। बी चंद्रकला के घर पर पहले छावे पड़ चुके हैं, आज अभय सिंह और विवेक जो हैं उनके घर पर छावे पड़े हैं। तो इनकी भूमिका बड़ी होती है। इन्हीं के आदेश के बाद ही खदान शुरू पर खनन जो है शुरू होता है। पट्टा जितने का होता है उससे ज़्यादा खनन होता है। इलीगल माइनिंग इन्हीं के डायरेक्शंस पर होती है, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इनकी भूमिका होती है, इसीलिए सीबीआई ने अब जो अधिकारी हैं, जब अब उन जिलों के डीएम रहे जहां पर खनन हुआ है, घोटाला हुआ है, उन पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। इसीलिए आज आपने देखा है किस तरह से दोनों अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े हैं। जो जानकारी सीबीआई की तरफ आई है, अभय सिंह के यहाँ से 47,00,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। विवेक के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, 4 प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं जो फ्लैट उनके नाम पे है। हालांकि कहा यह जा रहा है विवेक की तरफ से कि वो फ्लैट जो है उनके परिवार वालों के नाम से है, उनकी सासू माँ और बाकी लोगों के नाम से, डायरेक्टली उनके नाम से नहीं है। सीबीआई इसकी तफ्तीश करेगी कि ये प्लॉट किस पैसे से खरीदे गए और कैसे खरीदे गए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, कागजात कुछ और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कैश उनके घर से नहीं बरामद हुआ है। कैश एसडीएम देवरिया के यहाँ से बरामद हुआ, जब तत्कालीन जो एसडीएम थे देवरिया, उनके घर से 10,00,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। तो अधिकारियों के यहाँ रेड्स हो रही हैं, प्रॉपर्टी के पेपर, डॉक्यूमेंट्स और इलीगल माइनिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रही है सीबीआई ताकि केस की कड़ी को जोड़ सके। अभी तक आप जो जाँच हुई है, जो नेक्सस में जो माफिया थे जिन्होंने सैंड माइनिंग की, उनके खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ जाँच हुई है। तीसरी बड़ी भूमिका जो होती है वो मिनिस्टर्स की होती है जो खनन पट्टा देते हैं। अब उनके उनके भूमिका की जांच होगी। जो 22 खनन पट्टे दिए गए थे उनमें से 14 पट्टे तब दिए गए जब अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के सीएम थे और बतौर सीएम उनके पास माइनिंग डिपार्टमेंट भी था, यानी खनन विभाग के मंत्री भी वो थे। उनके ही शासनकाल में 14 पट्टे 22 में से दिए गए, बाकी पट्टे जो है वो गायत्री प्रजापति जो खनन मंत्री थे उन्होंने दिए हैं। तो उनकी भूमिका की भी जांच होगी। सीबीआई ने जो एफआईआर रजिस्टर किया है उसमें बकायदा इस बात के संकेत हैं कि जो तत्कालीन खनन मंत्री रहे होंगे उनकी भूमिका भी जांच की जा सकती है। तो अब सीबीआई को तय करना है कि वो अखिलेश यादव और गायत्री प्रजापति से पूछताछ करे या नहीं करेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गायत्री प्रजापति के यहाँ रेड्स हो चुके हैं, उनके यहाँ जाँचें सीबीआई कर चुकी है, अखिलेश यादव से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। जब पिछली बार एफआईआर हुआ था जनवरी में, तब अखिलेश यादव का नाम जरूर सामने आया था। हालांकि एफआईआर में ये उनका नाम डायरेक्टली नहीं था, एफआईआर में कहा गया था कि जो तत्कालीन खनन मंत्री होंगे उनके खिलाफ जांच होगी। तो माना गया कि अखिलेश यादव खनन मंत्री थे उस वक्त जब 14 पट्टे दिए गए, तो उनकी भूमिका की जांच हो सकती। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि छापेमारी उत्तर प्रदेश में चल रही है जिनमें जो अधिकारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है।